हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी कल की ही बात को अधिक दृढ़ता के साथ रखने के लिए आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल भी दे चुका हूँ, लेकिन कल कई लोग इस बात में कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ है। उसमें केवल वो विषय को लेकर के जो विवाद था उस पर हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन आज की ये अखबार की कटिंग जो है वो आपको साफ साफ बता रही है कि इसमें दो तरीके की रीट थी। एक में था कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा के पदों के लिए हुई परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बीएससी व एमएससी कृषि में औद्यानिकी नहीं पढ़ने की वजह से अयोग्य ठहराने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को इस मामले में पुनर्विचार कर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए कहा है। और दूसरी जो है वो है दूसरी ओर सूरज सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद परीक्षा के एक सवाल के सही जवाब को विशेषज्ञों की ओर से गलत करार दिए जाने के मामले में भी हाईकोर्ट ने पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक 2006 में ही बना था, अभ्यर्थियों ने यही उत्तर लिखा था, लेकिन आयोग के विशेषज्ञों ने इसे पहली वाली आंसर की में सही पाया और दूसरी वाली में गलत करार दे दिया गया। तो दोस्तों ये आज ये तीनों ये एक कटिंग और है, और एक इसमें ये है जिसमें विशेषज्ञ कमेटी को पुनर्विचार कर अंक निर्धारण करने के निर्देश की बात कही गई है। ये बात ये पुष्ट करती है कि आयोग ने गलतियां की हैं, और अब विशेषज्ञ कमेटी वो किस प्रकार से गठित करती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विशेषज्ञ कमेटी केवल एक नंबर एक क्वेश्चन को रिव्यू करती है तो इसमें केवल एक ही नंबर के बच्चों को फायदा होगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो एक से अधिक वाले बच्चे हैं वो भी हाईकोर्ट की तरफ रुख करें। अगर ये सिर्फ एक कमेटी पर रिव्यू गठित करते हैं तो पहले इस बात को कंफर्म कर लें कि ये एक नंबर को रिव्यू कर रहे हैं या जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और जिनके आंसर चेंज हुए हैं सभी को रिव्यू कर रहे हैं। अगर ये सभी रिव्यू करते हैं डिलीट क्वेश्चन और जो इसके साथ में जो अन्य क्वेश्चन जिनके आंसर चेंज हुए हैं अगर सभी को रिव्यू करते हैं तो आप ये मान के चलिए कम से कम 4 से 5 नंबर वालों तक को भी मौका मिल सकता है, या आप विश्वास करें। लेकिन इसके लिए आपको अधिक सतर्क होना पड़ेगा, आपको अधिक जागरूक होना पड़ेगा, आप हाईकोर्ट का रुख आपको दोबारा करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें इनसे गलतियां हुई हैं और ये गलतियां इन्हें स्वीकार करनी पड़ेंगी अगर आप अधिक जागरूक हुए तो। अन्यथा ये अपनी ही कोई कमेटी गठित करेंगे और फिर से अपने ही सवालों के उत्तर जो है उन्हें सही साबित कर देंगे, और फिर आपके पास इसी विषय को लेकर के हाईकोर्ट जाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए आप अधिक जागरूक रहें, अधिक सतर्कता के साथ इसमें आगे बढ़ें और अपना एक मजबूत ग्रुप बनाएं ताकि आपको इसमें जो है वो आगे लाभ मिले। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार की सूचनाओं के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।